हेलो गाइस, मैं हूँ विनोद कुमार और टेक्निकल BK9 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके पास कितना ही पुराना फ़ोन, अगर आप फ़ोन खरीद रहे हो तो उसे चेक करें कि वो फ़ोन कितना पुराना है और उसकी जो मतलब एक्सचेंज डेट है वो निकल गई है या नहीं निकली है। तो गाइस, वीडियो पर एंड तक ज़रूर बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आज आप हम आपको बहुत बढ़िया टिप्स देने वाले हैं। जैसे कि बहुत से यूज़र जो है पुराना फ़ोन ख़रीदते हैं तो कोई कहता है कि 1 साल पुराना फ़ोन है मेरा, कोई 2 साल बताता है। तो गाइस, हम अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुके हैं और आपको बताएंगे कि आप जो फ़ोन ख़रीदना चाह रहे हो वो फ़ोन कितना पुराना है, आप कैसे चेक करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कॉल ऑप्शन वाले पर क्लिक करना है। कॉल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको EMI पता करना होता है। तो EMI के लिए कोड होता है, जैसे EMI इस कोड जैसे ही डालोगे तो इसका EMI आ जाएगा। फिर क्या करना है आपको, जो है ये EMI आपको नोट कर लेना है। उसके बाद क्या खोलना है, क्रोम ब्राउज़र अपना जो है ओपन कर ले। जैसे कि मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया तो यहाँ पे आप जिस भी जोन सी कंपनी का आप फ़ोन ले रहे हो वहाँ पे डालना होता है। जैसे कि मैं डाल लिया हूँ वीवो एक्टिवेशन डेट। तो जैसे मैंने वीवो एक्टिवेशन डेट डाला तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आया खुलकर। अब आपको क्या करना है कि ऊपर ऑप्शन पर क्लिक करना है फर्स्ट वाले पर। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस खुलकर आएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको अपना EMI नंबर डालना है। तो गाइस, यहाँ पर अपना EMI नंबर जोन से आप अपने फ़ोन का देखना चाहते हो उसका EMI नंबर डालें। जैसे मैं आपको डाल कर दिखा रहा हूँ, फिर इस पर क्लिक करेंगे, फिर इसे सबमिट कर दें। सबमिट के बाद यहाँ पर आएगा कैप्चा फिल करने के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। अब आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सबमिट पर, तो आपके सामने ये जो है फ़ोन का वो डेट आ चुका है, प्रोडक्ट मॉडल आ गया, प्रोडक्ट कलर आ गया, EMI नंबर आ गया, वारंटी। इसकी वारंटी देखने के लिए 1 साल की गारंटी है, यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।